कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग करना। तो ये ब्लाउज का सीना होगा 36 इंची, ब्लाउज का लंबाई होगा 14 इंची। तो पहले हम यहाँ से लंबाई निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज का लंबाई होगा यहाँ से 14 इंची और 1 इंची हमारा सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ से इसका सीना लेते हैं, इसका सीना है 36 इंची, तो 1/4 9 इंची। ये देखिए हमारा डबल कपड़ा में है और यहाँ से भी हम लेंगे 9 इंची। इस निशान को यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से आते हैं हम, यहाँ से ये आगे का पल्ला है तो इतना हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। यहाँ पर हम आई हुक बनाएंगे तो इसके लिए, ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ से आते हैं इसका तीरा लेंगे 5 इंची। अब यहाँ से इसका आर्म होल लेंगे 5 इंची, यहाँ पर आ गया, इधर भी 5 इंची। इस निशान को इस निशान से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से ऐसे लेंगे, अब यहाँ से हम बनाएंगे 1/2 इंची। यहाँ आगे का पल्ला है तो मैं 1/2 इंची पर यहाँ से ऐसे करके गुलाई बनाऊंगी। अब यहाँ से हम गला बनाएंगे 2 इंची, ये वाला निशान छोड़ते हुए। अब यहाँ से आगे का गला का डीप दूंगी 6 इंची पर। इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 इंची लिया है तो यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा के बनाएंगे। यहाँ से ऐसे लाएंगे और यहाँ से ऐसे ले आएंगे। अब यहाँ से नीचे टेकिंग लगाने के लिए यहाँ से लाएंगे 9 इंची और 9 का हाफ कर देंगे तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से आएगा 11 इंची पर, हम यहाँ से ऐसे देंगे इसका टेकिंग, यहाँ पर आ गया। अब चाहे तो हम चूड़ी से भी इसको निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। आप कोई भी साइज का चूड़ी पहनते हैं उसको ले लीजिए और यहाँ से इसको लगाइए। देख सकते हैं बीचों बीच आना चाहिए। एक यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम एक यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमारा लग गया है। अब ये टेकिंग का हम यहाँ से ऐसे करके 1 इंची पर भी बना सकते हैं, 1.5 इंची पर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 1.5 इंची पर इसका टक्स। यहाँ से ऐसे लाएंगे, यहाँ से ऐसे, ये वाला टेकिंग हम 1/2 इंची पर बनाएंगे ऐसे करके। देख सकते हैं पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। यहाँ से इसको कटिंग करने के बाद ये देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोल देंगे। यहाँ से जितना हमारा आ रहा है बीच का सेंटर है वहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से ऐसे बराबर करते हुए लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ से लाएंगे। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का हो गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम